फ्रेंड्स, मान लीजिए आप मार्केट में गए हैं और उसकी प्राइस है 275 पर केजी, मतलब 1 किलो की आपकी प्राइस है 275। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अगर थोड़ा कैलकुलेशन टिपिकल रहे हो और आप डायरेक्ट जाना चाहते हो तो वो कैलकुलेशन थोड़ी टिपिकल रहेगी, और अगर आप उसको शॉर्टकट से करेंगे तो थोड़ी कैलकुलेशन आपको ज़्यादा करना पड़ेगी, पर आप उसको मतलब बिना कैलकुलेटर की मदद से भी आप कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, प्राइस मान लीजिए किसी भी चीज़ की, मान लीजिए ये कोई मान लो एप्पल है, 275 पर केजी दे रहे हैं, तो इसमें तो आप मान लो आधा किलो या पाव भर होगा तो डिवाइड बाय 2 या डिवाइड बाय 4 करके आप इसी से कैलकुलेट कर लीजिएगा। पर फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए ये मतलब मान लो बड़े हैं या कुछ एडजस्टमेंट ऐसा करने के बाद भी ये आधा किलो या पाव भर में नहीं जाता है, ये मतलब कुछ भी राउंड फिगर मान लीजिए 300 ग्राम या फिर मान लो 170 ग्राम या फिर मान लीजिए 530 ग्राम, इस तरह से होता है। तो देखिए, इसके लिए फिर कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो देखिए फ्रेंड्स, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। तो देखिए, इस हिसाब से 1 किलो जो इज इक्वल टू 275, मतलब 1 किलो आपको एप्पल लेना है तो 275 प्राइस है, मतलब 1 किलो एप्पल के आपको 275 ये प्राइस हुई। और इसी को अगर हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेते तो 1000 ग्राम इज इक्वल टू 275, मतलब 1000 ग्राम की प्राइस हुई आपकी 275 एप्पल की। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें आप जो मैथ्स में करते हैं वो मैथ्स में इस हिसाब से करते हैं, 1000 ग्राम एप्पल की कीमत हुई 275 रुपीज़, इसलिए 1 ग्राम की, तो इसके लिए 1 ग्राम के निकालने के लिए क्या करते हैं, 275 डिवाइड बाय 100 करते हैं, और यहाँ आपको कितने भी एक्स वाई जेड, 200 ग्राम, 250 ग्राम, 205 ग्राम, 210 ग्राम, 215, 220 ग्राम, कुछ की भी आपको ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हुई हमारे पास एप्पल निकले हैं 410 ग्राम, तो देखिए 410 ग्राम की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, सबसे 400 हम करते हैं तो 275 डिवाइड बाय 1000 और करेंगे तो ये आएगा 1 ग्राम की वैल्यू आएगी आपको, 1 ग्राम एप्पल की कीमत आएगी, और इसको मल्टीप्लाई 410 करेंगे तो ये आ जाएगी 112 रुपये और 75 पैसे। आप उसको चाहो तो 113 रुपये दो या 12 रुपये दो, आप सोच सकते हो, और 112 रुपये 75 पैसे होगी प्राइस। और देखिए इसे आप अगर हम ट्रिक से करते हो, देखिए फ्रेंड्स, ट्रिक से करने में क्या होगा, 275 के अगर हम 10 इक्वल डिवाइड करते हैं, 275 को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं 275 को, तो ये कितना होगा, 100 ग्राम की प्राइस आएगी आपको, ये आपके 100 डिवाइड बाय 10 करेंगे मतलब 20, मतलब ये आप कैलकुलेशन करोगे तो सीधे सीधे रुपीज़ में है, मतलब आप बस जो भी प्राइस है उसमें एक डिजिट कम करते चलिएगा, उसमें पॉइंट अपने आप आते जाएंगे, मतलब 200 रुपीज़ सीधे लिए तो मतलब ये 20 हो गए। अब 7 का आप वापस 10 पार्ट में करोगे तो 70 को आप 7 इक्वल पार्ट्स में करो, 27 हो गया, और अब जो 5 है वो 0.5 में चले गए, तो इस हिसाब से आप 10 इक्वल पार्ट्स में करोगे तो 100 ग्राम की वैल्यू आ जाएगी, मतलब 100 ग्राम आपको करेगा 27.50 पैसे, मतलब 27 रुपीज़ और 50 पैसे या 28 रुपीज़ में। अब उसके बाद और इसके और 27.5, मतलब ये 100 ग्राम की वैल्यू होगा, अब इसको आप और वापस 10 इक्वल पार्ट्स में करते हो तो 10 ग्राम की आएगी, 27.5 का 10 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो 2.75, मतलब 10 ग्राम की प्राइस हुई आपको 2.75। और अगर इसको भी और आप करना चाहते हो, इसको भी आप और इसके और 10 इक्वल पार्ट करते हो, इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो 2.75 डिवाइड बाई 10, मतलब 0.27 पड़ेगी आपको 1 ग्राम की प्राइस। अब आपने पहले देख लीजिए फ्रेंड, कितनी पड़ी थी, 410 ग्राम की 112 रुपये निकाले थे, तो मतलब पहले तो 27 × 4 करेंगे अपन, 27 × 4, 27.5 × 4 करेंगे, फिर 10 ग्राम के लिए और
इसमें 2.75 ऐड कर देंगे। और मान लो ये 411 या 12 की निकालना होता तो यहाँ से निकल जाता, पर यहाँ पे हम मान लो और 11 या 12 कुछ हुआ तो 10 ग्राम तो ये हो गया है। अब 12 हुआ तो 2 ग्राम 1 ग्राम जैसा भी होगा और इन सब का टोटल करेंगे तो आ जाएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स 400 ग्राम के 27.5 के हिसाब से 110 रुपये, और ये 10 ग्राम के 2.75 और 5 ग्राम की और ये 0.0275 × 5, ये थोड़ी ये रॉन्ग हो गई है। ये 1 ग्राम की मैंने कर दी है, तो मतलब ये हिसाब से आप 411 ग्राम की। तो फ्रेंड्स ये वैसे तो थोड़े ये थोड़ी हमने वैल्यू ज़्यादा ली थी, इसलिए इतनी हमको दिक्कत हुई है। मान लीजिए हम थोड़ी छोटी वैल्यू लेते हैं, मान लो 75 लेते हैं पर केजी की, तो इसमें 100 पे आप जाते हैं तो कोई भी 100 ग्राम की प्राइस आपको पड़ती है 7.5, मतलब जो पूरी वैल्यू है आप इसको 10 इक्वल पार्ट करते हैं, मतलब 7 × 10 = 70 होती है, मतलब इस हिसाब से 10 इक्वल पार्ट करें तो 7.5 हुआ। और अब इसका और आप और इस 10 और करते तो ये होता है 0.7। और 1 ग्राम का तो बहुत ही 0.07 हो जाता, 0.07 हो जाता, तो इससे सब बहुत ही छोटी वैल्यू हो जाती है वैसे तो, पर मतलब जहाँ छोटी वैल्यू हो वहाँ पे इस तरह से ट्रिक से बहुत ही ईजी हो जाता है। मान लो जैसे 100 का होकर सीधे 7.5, आप मान लो ये 200 ग्राम या 300 ग्राम हुआ तो मल्टीप्लाई 2, मतलब सीधे अगर हो गया तो मतलब 15 रुपये हो गया, अगर 200 ग्राम हुआ तो सीधे यहाँ पे 15 रुपये हो जाता। और 10 ग्राम पे तो 0.7 के हिसाब से आप और ऐड कर सकते हो। छोटे वैल्यू के लिए थोड़ा थोड़ा प्रोसेस टिपिकल पड़ती है, पर मतलब कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। और छोटे मतलब 100-200 के लिए ठीक है, थोड़ा उससे ज़्यादा में होता है, थोड़ा ज़्यादा टिपिकल हो जाता है, पर मतलब टिपिकल जरूर है पर मतलब ईजी वे है थोड़ा। ओके फ्रेंड्स।